हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी यूनिट 10 जो कि एंटरप्रेन्योर की है। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है इनोवेशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, इनोवेशन, सबसे पहले हमें इनोवेशन का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, ठीक है। इनोवेशन क्या होता है कि जो न्यू वे टू अचीव द टास्क, ठीक है, कौन कौन से नए तरीकों से हम जो हमारा टास्क है उसको अचीव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनोवेशन। क्लियर हो गया? इनोवेशन का मतलब क्या होता है? टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू। इनोवेशन कैन बी डिफाइंड एज द सक्सेसफुल एक्सप्लोइटेशन ऑफ द न्यू आइडिया, इनकॉर्पोरेटिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड द बेस्ट मेथड इन डूइंग की बिजनेस एक्टिविटी दैट अनेबल द बिजनेसेस टू कंप्लीट द इफेक्टिवली। ओके, दैट इज कॉल्ड द इनोवेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई भी इकोनॉमी तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक वहां की पब्लिक पर्सनल और प्रोफेशनल कंट्रीब्यूट ना करे। ठीक है, क्लियर हो गया? कि अब हमने जो हमारा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, इनोवेशन के ऊपर। हमने सिंपल सी मैं बात कह रही हूँ कि कोई भी इकोनॉमी है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक वहां की जो पब्लिक है उसको पर्सनल और प्रोफेशनल कॉन्ट्रीब्यूट ना करे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इनोवेशन का मतलब क्या होता है। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, फर्स्टली वी नो अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? कुछ भी ऐसा नया इंट्रोड्यूस करना जो कभी पहले देखा ना गया हो, दैट इज कॉल्ड द इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोसेस था वो पूरा का पूरा नया पहचान मिलती है उसको। ठीक है, इनोवेशन की वजह से ही जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट एक न्यू पहचान मिलती है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ इंट्रोड्यूस करना, समथिंग न्यू जो हमने कभी पहले देखा नहीं गया, दैट इज कॉल्ड द इनोवेशन। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, ऐसे लोग एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, ऐसे लोग जो एक इकोनॉमिक का इंपॉर्टेंट हिस्सा तो कहलाती है या उसके अंदर एक ऐसी डिराइव होती है जो दूसरों को भी कुछ करने का जज्बा जगाती है, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, क्लियर हो गया? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो हमारी इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा, इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले करते हैं और उसके अंदर एक ऐसी ड्राइव भी होती है जिससे कि दूसरों को भी कुछ सीखने का होता है कि हम इससे कुछ सीखें, भाई बंदा कुछ बन गया, दैट इज द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसमें क्या बोला है इन्होंने कि जो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस है जो कि डिस्क्राइब करता है कि हाउ मैनेजर, कि कैसे जो मैनेजर है वो क्या रहेगा, कीप हाउ मैनेजर कैन कीप ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द स्टेग्नेटिंग, मींस कीप अवे फ्रॉम द स्टेग्नेशन। मतलब इसका क्या मतलब होता है कि इनोवेशन की मदद से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेग्नेंट एनर्जी ऑफ एनी एम्प्लॉय को चैनलाइज करके एंटरप्रेन्योरशिप के नए या नेक्स्ट गोल को अचीव कर सकती है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिस्क्राइब करता है कि हाउ मैनेजर कैन कीप ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द स्टेग्नेटिंग। ठीक है, कीप ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द स्टेग्नेटिंग, इसका मतलब क्या होता है कि इनोवेशन की मदद से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेग्नेंट एनर्जी ऑफ एनी एम्प्लॉय को चैनलाइज करके एंटरप्रेन्योरशिप के नए गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसा बनाते हैं, अडॉप्टिव बनाते हैं।
ठीक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या 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 करते हैं, नए नए आइडियाज लेके आते हैं, ठीक है, और नए नए कन्वेंशन को अडॉप्ट करते हैं। कोई भी कन्वेंशन या आइडिया को अपना सके, जो ये इम्प्लॉयज हैं वो क्या करते हैं कि इतना हम उसको मोटिवेट कर देते हैं, उससे उनके अंदर आइडिया जनरेट होते हैं। आइडिया जनरेट होंगे तो क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकेंगे। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एक ऐसा बंदा जिसका जो माइंड क्रिएटिव होता है, तभी तो वो इतना बड़ा बिजनेस बना सकता है ना। और उसके अंदर ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अडोप्टिव होना चाहिए, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने वाला होना चाहिए। कोई भी नई आइडिया आ रहा है, कोई भी नई कन्वेंशन आ रही है, तो वो उसको अपना ले और इम्प्लॉयज को इतना मोटिवेशन दो कि उसके माइंड में आइडिया जनरेट हो, वो उसका दिमाग चले, हाँ मैंने भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि प्रमोट करता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, दैट द स्पॉट क्रिएटिव। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में क्या होता है कि अगर हम इम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं, इम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, नए नए आइडिया उसके माइंड में आएंगे कि हाँ मुझे भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। इससे उसको जो ऑर्गेनाइजेशन का, इसी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है वो क्रिएट होगा। ठीक है, एंड हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन या मोटिवेशन का सहारा लेके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, तो उसमें क्या होगा कि हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन होगा। इसमें हम इंप्लॉय के मोटिव, वेलफेयर, फैमिली, पर्सनल लाइफ को लेके, ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करके, मतलब 360 डिग्री अप्रेजल को लेके हम एंटरप्रेन्योरशिप को देखते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इंडिया के अंदर ही बहुत प्रोग्रेसिव बनता जा रहा है डे बाई डे। जैसे कि यूट्यूब है, अन अकेडमी है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, क्लियर हो गया। इस लाइन में हमने बस इतना ही पढ़ा कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, बेसिक्स सब पढ़ा। एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करवाती हूँ, नेक्स्ट लेसन में मैं आपको प्रोसेस डिटेल में करवाऊंगी। आइए एक बार से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी नो अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कि इंट्रोड्यूस करना समथिंग न्यू, कुछ भी ऐसा नया इंट्रोड्यूस करना जो कभी पहले देखा ना गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इनोवेशन। कहते हैं ना, इसने ये इन्वेंट किया है, इसने ये नई खोज की है, मतलब किसी ने पहले नहीं देखा हुआ होता उस चीज को, तो इंट्रोड्यूस करना कुछ नया, दैट इज कॉल्ड द इनोवेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है भाई। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि ऐसे लोग जो एक इकोनॉमी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनके अंदर एक ऐसी ड्राइव होती है जिससे दूसरों को भी कुछ करने का जज्बा जगता है, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जब आपने पढ़ा होगा कि कैसे मोटिवेशन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंसान की फीलिंग को मोटिवेट करने के लिए, उसके नीड्स की नीड्स को डेफिनेट ड्राइव देने के लिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तक पहुंच सके, जिसे हम मोटिव या मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इससे पहले एक बार मैं आपको मोटिवेशन और मोटिवेशन के टाइप्स भी एक बार रिवाइज करवाऊंगी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होता है कि जो मेन है ना, कि अगर हम इम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे तभी उनके दिमाग में आइडियाज जनरेट होंगे और वो ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक पहुंचेगा। ये कंप्लीट यही इनोवेशन का प्रोसेस है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस करवाऊंगी। तो आपको सिंपल सा बताना चाहिए कि कैसे कोई भी इम्प्लॉय या कोई भी इंसान को हम ऑब्जर्व करने के बाद नए तरीके से ऐड करके इनोवेशन को क्रिएशन करता है वो। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे इनोवेशन का मतलब, तो आपको क्लियर हो गया कि कुछ नया करना जो हमने किसी ने पहले नहीं देखा, दैट इज द इनोवेशन। उसके बाद हमने बात करी एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि डिस्क्राइब करता है कि हाउ मैनेजर कैन कीप ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्टेग्नेटिंग, मेक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टिव, प्रमोट द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, दैट स्पॉट क्रिएटिव। ठीक है, इसको एक मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इस पूरी डेफिनेशन को।
इसमें क्या बताया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कि एक प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर मैनेजर कैन कीप ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द स्टेग्नेशन, मतलब कीप अवे फ्रॉम द स्टेग्नेशन का मतलब क्या होता है कि इनोवेशन की मदद से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेग्नेंट एनर्जी ऑफ एनी एम्प्लॉय को चैनलाइज करके एंटरप्रेन्योरशिप के नए गोल को, नेक्स्ट गोल को अचीव कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन को ये करना था, अडॉप्टिव मीन्स कोई भी नए आइडिया आ रहे हैं या कन्वेंशन आ रही है तो उसको अपना सके, ठीक है। इम्प्लॉयज को मोटिवेशन दे रही हो कि इतना मोटिव करोगे उसके दिमाग में अपने आप से आइडिया जनरेट हो और वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तक पहुंच जाए। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, किसी अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक पहुंचेगा इस तरीके से तो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है वो क्रिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसे स्पॉट क्रिएटिव मीन्स हाई डिग्री ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन या मोटिवेशन का सहारा लेके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है उसमें हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन इंप्लॉयज के मोटिव वेलफेयर फैमिली पर्सनल लाइफ को लेके 360 अप्रेजल यानी ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस को लेके एंटरप्रेन्योरशिप को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है जो कि इंडिया को बहुत प्रोग्रेसिव बनाता जा रहा है। डे बाय डे हमारे को एंटरप्रेन्योरशिप के जो एग्जांपल्स हैं वो देखने में आ रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब का जो है, फेसबुक है, मार्वेल बर्ड का, अनअकैडमी है, रोबोट सैनी, ये सभी के सभी क्या है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसमें हमने बेसिक सा डिफरेंस डिस्कस किया इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है इनोवेशन का। सी यू गाइस, नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करते हैं।